हेलो दोस्तों, मेरा नाम शहजाद है और मैं बिहार से हूँ। मेरे अंदर एक बोलने की समस्या थी जिसको लोग कहते हैं हकलाहट, मैं भी उसको हकलाहट ही कहता हूँ। मैं कहीं भी जाता था पहले तो मेरा वर्ड जो निकलता था उसमें वो वर्ड वो साफ नहीं था। मैं कितना बार बोलने का प्रयास करता था तो दो चार बार शब्द रिपीट करने के बाद थोड़ा सा साफ होता था, लेकिन मैं पहले बहुत घबरा जाता था कि पता नहीं मेरा आगे क्या होगा, कैसे मेरा जीवन आगे बढ़ेगा। जब मैं अपने घर पे बात करते थे फोन से तो उसमें मेरा आवाज़ थोड़ा साफ हो जाता था, अगर और बाकी बाहर दोस्तों से बात करते थे तो शुरू वाला वर्ड साफ निकलता था। जब बीच में जितना भी वर्ड आता था वो सबको मैं दो दो बार तीन तीन बार रिपीट कर करके बोलता था। किसी दोस्त से फोन से बात करते थे तो दो से तीन मिनट तक मैं बात करके फोन में खुद ही काट लेता था और मैं सोचता था पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा ऐसा आवाज़ क्यों निकल रहा है। तो मैं बहुत कोशिश किया अपने आप को कैसे मैं बोलूँ कि तो कैसे मैं अपना आवाज़ को साफ करूँ। मैं बहुत सारा प्रयास किया अपने तरफ से बोलने का दिल से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैं मोबाइल लिया 4G का, मैं उस पर नेट कराया फ्री एक महीने के लिए। मैंने उस पर सर्च मारा गला का डॉक्टर जो आवाज़ साफ करने वाला वो कहाँ है, तो उस पर सारा बहुत सारा उस पर नाम आया। उस पर लिखा हुआ था स्टैमरिंग, हकलाहट को कैसे दूर करें, अपनी आवाज़ को कैसे स्पीकर बनाकर मतलब बोले, अपने आवाज़ में गाना कैसे गाएं। तो मैं सबसे पहले क्लिक किया स्टैमरिंग के ऊपर तो उसमें सारे बात में जो सुनने को मुझे मिला कि ये हकलाहट एक बीमारी है और ये किसी दवा से सही नहीं होता है, इसका बेस्ट तरीका योगा है और थेरेपी है जिसके द्वारा सही और अच्छे बोल सके। तो मैंने नंबर लगाया डॉक्टर विजय जैन सर के पास, उनसे मैं बात की, मैं उन सर को मैं सारा समस्या अपना बताया। सर ने कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है, आप बिल्कुल एकदम साफ से बोलोगे। तो मैं सर से बात किया, मैं फिर दो हफ्ते के बाद मैं सर के पास आया। आज मुझे यहाँ तीसरा दिन हो गया हुआ है, तीन दिन में मुझे बहुत आराम मिला है। मुझे लग रहा है कि मैं अगले चार पाँच दिनों में मैं बहुत अच्छा बोल पाऊँगा और सबसे मैं खुल के बातें कर पाऊँगा। जितने भी मेरे भाई स्टैमर वाले हैं मैं उन सब से मैं कहना चाहूँगा कि इसका इलाज सिर्फ योगा और थेरेपी से इलाज होता है, इनका कोई दबाव से इसका इलाज नहीं है। और आप कहीं भी जाइए तो वहाँ पर जाइए जहाँ पे कम आदमी को ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि आपका बात वहाँ पे सही से सुने और उस पर आपका आवाज़ के ऊपर ध्यान दे और आपकी आवाज़ बेहतर बनाने की कोशिश करे। तो मेरा यही कहना था कि आप भी ठीक हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।